नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे बेसन का ढोकला रेसिपी के बारे में। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय तुरंत सब्सक्राइब करें, क्या कि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं। बेसन का ढोकला खाने में बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। इसे भाप में पकाने के कारण तेल तो बहुत ही कम प्रयोग होता है। यदि आप तेल से बनी चीजों से परहेज करते हो तो इसे अवश्य बनाइए। आप छोटे बच्चों के लंच टिफिन में आप यह बेसन का ढोकला बेसन ढोकला बनाकर दे सकते हैं। ढोकला कई तरीके से बनाया जाता है, जैसे बेसन ढोकला, रवा ढोकला, खट्टा ढोकला, पनीर ढोकला, झटपट ढोकला। रवा ढोकला और झटपट ढोकला तो हम पहले बना ही चुके हैं, आज बेसन ढोकला बनाते हैं। आवश्यक सामग्री इंग्रेडिएंट्स ऑफ बेसन ढोकला। मिश्रण बनाने के लिए बेसन 200 ग्राम 2 कप, हल्दी 1/6 छोटी चम्मच यदि आप चाहें, नमक स्वादानुसार 1 छोटी चम्मच से कम, हरी मिर्च का पेस्ट 1 छोटी चम्मच यदि आप चाहें, अदरक का पेस्ट 1 छोटी चम्मच, नींबू का रस 2 टेबलस्पून, 2 मीडियम आकार के नींबू, इनो साल्ट 3/4 छोटी चम्मच से थोड़ा कम। तड़का लगाने के लिए तेल 1 टेबलस्पून, राई 1/2 छोटी चम्मच, हरी मिर्च 2 टुकड़े करते हुए लंबाई में काट लीजिए, नमक 1/4 छोटी चम्मच स्वादानुसार, चीनी 1 छोटी चम्मच, नींबू का रस 1 छोटी चम्मच यदि आप चाहें, हरा धनिया 1 टेबलस्पून बारीक कतरा हुआ। विधि हाउ टू प्रिपेयर बेसन ढोकला। बेसन को छानकर किसी बर्तन में निकाल लीजिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए चमचे से चलाते हुए गाढ़ा घोलिए। घोल में गुठलियां नहीं रहनी चाहिए, घोल में हल्दी पाउडर डालकर मिला दीजिए। बेसन के घोल को 20 मिनट के लिए ढककर रख दीजिए ताकि बेसन के कण फूल सके। बर्तन जिसमें आप ढोकला बनाना चाहते हैं, 2 छोटे गिलास पानी, 500 ग्राम पानी डालिए और गैस फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दीजिए। एक स्टैंड भी इसी बर्तन में रखिए जिसके ऊपर हम बेसन का घोल भरकर थाली रखेंगे। थाली को तेल लगाकर चिकना कर लीजिए। बेसन के घोल में नींबू का रस, नमक, हरी मिर्च पेस्ट, अदरक पेस्ट डालकर अच्छी तरह मिलाइए। अब इस मिश्रण में इनो साल्ट डालिए और चमचे से मिश्रण को चलाइए। जैसे ही मिश्रण में एयर बबल आ जाए तुरंत मिश्रण को थाली में डालिए और थाली को बर्तन के अंदर स्टैंड पर रखिए। बर्तन में डाला गया पानी भी गर्म हो गया है, उसमें भाप आ रही है। इस बर्तन को ढककर ढोकला लगभग 20 मिनट मीडियम गैस फ्लेम पर पकाइए। ढोकला पक चुका है। टेस्ट के लिए पके हुए ढोकला में चाकू की नोक गड़ा कर देखिए, मिश्रण चाकू की नोक से नहीं चिपकता है। बेसन का ढोकला बन गया है। गैस बंद कर दीजिए, ढोकला की थाली बर्तन से निकालिए, ठंडा कीजिए और चाकू को किनारे पर चलाकर किनारे से ढोकला अलग कीजिए। ढोकला की थाली को किसी दूसरी थाली या प्लेट में पलटकर बेसन का ढोकला निकालिए। चाकू से अपने मन पसंद आकार में ढोकला काट लीजिए। तड़का लगाएं। छोटी कढ़ाई में तेल डालिए। तेल गर्म होने के बाद राई डालिए। राई तड़कने के बाद हरी मिर्च डालकर हल्का सा तलिए। अब इस मसाले में 1/2 कप पानी, 100 ग्राम पानी डाल दीजिए, नमक और चीनी भी डाल दीजिए। उबाल आने पर गैस बंद कर दीजिए और नींबू का रस मिला दीजिए। इस तड़के को चम्मच से ढोकले के ऊपर सभी जगह डालिए। हरा धनिया या कद्दूकस किए हुए नारियल को ऊपर से डालकर सजाइए। गर्मा गर्म ताज़ा ताज़ा बेसन का ढोकला परोसिए और खाए। बाजार में इसी तरह का ढोकला मिलता है, लेकिन उसे बनाने में नींबू की जगह टार्टरिक एसिड प्रयोग किया जाता है। यदि आप चाहें तो आप भी टार्टरिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। टार्टरिक एसिड पारदर्शी सफ़ेद सोलिड होता है। इतना ढोकला बनाने के लिए 2 सफ़ेद कावली चने के दाने के बराबर टुकड़ा लीजिए और पानी में घोलकर ढोकला के घोल में मिलाइए। उपरोक्त तरीके से ढोकला बना लीजिए। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर जैसी जगहों पर शेयर करना ना भूलें। और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूले, हम जल्द से जल्द जवाब देंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारा YouTube चैनल घरेलू उपाय सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।